जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बड़े दिनों से मेरे मन में एक ऊहापोह या कह सकते हैं कि उथल पुथल मचा हुआ था, जब मैं युवा पीढ़ी को या यूँ कहें विद्यार्थियों को देखती थी, खासकर 10वीं के 12वीं के, कि वो बड़े परेशान मुझे दिखते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों इनकी मनस्थिति ऐसी है, क्योंकि वो संगीत में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नृत्य में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वादन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और सब में अव्वल आना चाहते हैं, और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो समझ नहीं पा रहे कि किधर जाएं। तो मैं बड़ी परेशान होती थी। अचानक मुझे एक बार ऐसे बैठी हुई थी, हनुमान चालीसा हर घर में पढ़ी जाती है और सबको कंठस्थ है, तो जब मैंने पढ़ा तो उसकी हर श्लोक में मुझे ये दिखा कि विद्यार्थियों के लिए तो हर श्लोक में सूक्ष्म अर्थ छुपा हुआ है। कैसे वो अपने नैराश्यों को दूर करें, कैसे वो अपने परेशानियों को दूर करें, कैसे वो अपने देह बल को बढ़ाएं, कैसे वो अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाएं और कैसे वो अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं, आत्मबल को बढ़ाएं। जो जिस दिन आपके पास आत्मबल बढ़ गया, समझ लीजिए आपने सारी दुनिया को फतह कर लिया, सारी दुनिया आपने जीत ली। तो मेरा एक दृष्टिकोण है इस तरीके से हनुमान चालीसा को प्रस्तुत करना, हर दोहे के माध्यम से, जिसमें कि उसके जो आज का व्यवहारिक जो स्वरूप है वो आप तक जाए और खास करके युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो। आप दो दो पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगी उसके अर्थ के साथ और आज किस तरीके से वो व्यवहारिक है। यकीन मानिए आपके अंदर जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो प्रभु की कृपा से आपके पास वापस आएगा। सुंदर सरल शब्दों में लिखी गई ये चालीसा भगवान तुलसीदास जी की अनुपम कृति है, जिसको हम पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, पर हम उसको अंदर लेना ही नहीं चाहते, अपने हृदय तक नहीं लेना चाहते, हम उसको अपने मस्तिष्क में ही रोक देते हैं। और ये कोई तर्क विद्या नहीं है, आप इसको आराम से मन लगा करके पढ़िए। हमारे जीवन के दैनंदिन जितनी भी समस्याएं हैं, हर का इन 40 दोहों में समाधान है और पूर्ण समाधान है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं मेरे हनुमान को आप तक लाऊं, जो विद्यार्थियों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शी हो, युवा पीढ़ी इससे सीखें और अपने जीवन में उतारें। निस्संदेह उनका जीवन खुशियों से, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है खुशी, न धन काम आता है, न कुछ सारी चीज़ें जो लौकिक चीज़ें हैं वो काम नहीं आती, तो इन सारी चीज़ों से बढ़कर है आपका स्वास्थ्य और आपकी खुशी। तो इन दोनों चीज़ों को मैं सम्मिलित कर रही हूँ, मैं एक कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों का साथ मुझे ज़रूर मिलेगा और विद्यार्थी और युवा वर्ग इससे ज़रूर जुड़ेंगे, जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने अंदर नहीं लिया। तो रोचकता के साथ मैं कोशिश करूंगी आप तक जाए और आप इसका पूरे तरीके से इसका रसा स्वादन करें, इसको अपने हृदय तक उतारें और हम सब पर हमारे हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री गुरु निज मनु मुकुरु सुधारि, बरनउ रघुबर बिमल जसु जोरु, दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिक, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हो कलेश।